जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी। 13 जिलों में 45 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन। जमात इस्लाम के ठिकानों पर तलाशी अभियान। यूपी में मिशन 2022 पर जुटी भाजपा। चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा का 2 दिवसीय यूपी दौरा। नेताओं मंत्रियों के साथ नड्डा की ताबड़तोड़ बैठक। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले सस्पेंड, फिर हुआ रिकवर, उसके बाद फिर हुआ लॉक। राहुल ने दिल्ली की रेप पीड़िता मामले में फोटो की थी ट्वीट। राहुल गांधी के दफ्तर में ट्विटर को भेजा गया जवाब। एलएसी पर दुश्मन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। अमेरिकी राइफल और स्विस पिस्टल से लैस किए गए जवान। फॉरवर्ड बेस पर जवानों को एसआईजी 100-716 असॉल्ट राइफल मुहैया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला पहला गोल्ड। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड पदक। कहा, मुझे पता था मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने बढ़ाया देश का मान। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 10 अगस्त को लौटेंगे स्वदेश। जोरदार स्वागत की तैयारियां। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर धन वर्षा। हरियाणा सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी, तो कैप्टन अमरिंदर देंगे 2 करोड़। मणिपुर सरकार और बीसीसीआई भी देगी 1-1 करोड़। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का बढ़ा कार्यकाल। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। अब 30 अगस्त 2022 तक रहेगा राजीव गौबा का कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी के 5 साल पूरे। 5 साल में गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र में बनाई अपनी पैठ। बड़े छोटे सभी मुद्दों पर बेबाकी से लेते हैं निर्णय। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में विशेष आयोजन। पुष्य नक्षत्र पर प्रथम पूज्य की विशेष पूजा अर्चना। लंबोदर को करवाया पंचामृत स्नान।